हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा। आपका स्वागत है मेरे चैनल कुकिंग दिल से में। आज हम बनाएंगे लौकी की बर्फी, तो आइए देखते हैं इसकी रेसिपी। लौकी की बर्फी बनाने के लिए सबसे पहले हम लौकी को भूनकर तैयार कर लेंगे। ये मैंने 1 kg लौकी लिया है, इसको मैंने कद्दूकस करके निचोड़ लिया है। इसे हम कढ़ाई में डालकर भून लेंगे ताकि जो इसका थोड़ा बहुत पानी है वो भी अच्छे से सूख जाए। लौकी को भूनने के लिए हम इसमें 2 बड़े चम्मच घी डाल देंगे। इसको मिला देंगे। और अब इस लौकी को हमें 10 मिनट के लिए ढककर रख देना है। और बीच बीच में हम अपनी लौकी को चलाते रहेंगे ताकि लौकी अच्छे से पक जाए। गैस स्लो कर देंगे। अब ढक्कन हटा के हम देखेंगे हमारा लौकी अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें चीनी डाल देंगे, इसको अच्छे से मिला देंगे और हमें इसे चीनी को पिघलने तक ढककर रख देना है ताकि जो चीनी है वो लौकी में अच्छे से मिल जाए। हम इसे 10 मिनट के लिए ढक देंगे और गैस स्लो कर देंगे। अब 10 मिनट बाद हम हटाकर देखेंगे हमारी चीनी अच्छे से मिल चुकी है और जो लौकी है वो और भी सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम इसमें ये मावा डाल देंगे। ये मैंने 250 ग्राम खोआ लिया है, इसे इसमें अच्छे से मिला देंगे। अब हम इसे लगातार चलाते रहना है और जब तक ये जमने लायक ना हो जाए तब तक हमें इसे धीरे धीरे चलाते रहना है। अब ये मावा लौकी में अच्छे से मिल चुका है। अब हम इसमें 1 चम्मच घी डाल देंगे, थोड़े से काजू डाल देंगे। ये 8 से 10 काजू हमने बारीक बारीक टुकड़ों में काट कर रखे हुए थे। थोड़ी सी किशमिश डाल देंगे और ये थोड़े से हमने पिस्ते काट कर रखे हुए थे, ये भी इसमें डाल देंगे। इलायची पाउडर डाल देंगे और इन सबको अब अच्छे से मिला देंगे। अब हमारी ये बर्फी जमने के लिए तैयार हो चुकी है। अब हमारी बर्फी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसे एक प्लेट में जमा देंगे। तो जमाने के लिए हमें सबसे पहले प्लेट में थोड़ा थोड़ा सा घी लगाएंगे और इसे अच्छे से फैला देंगे। अब इसे इसमें डाल देंगे, हमें इसे इक्वली फैला देंगे। हमने इसे अच्छे से फैला दिया है। अब हम इस पे थोड़े से काजू, थोड़े से पिस्ते और किशमिश से थोड़ा सा गार्निश कर देंगे। अब हम इसे 2-3 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और जब ये बर्फी ठंडी हो जाएगी तब हम इसे पीसेस में काट लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी लौकी की बर्फी जम चुकी है। अब हम इसे काट लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और मेरे चैनल कुकिंग दिल से को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।